दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि 2400 मीटर बराबर कितना किलोमीटर होता है। जैसा दोस्तों, यूपी पुलिस में गर्ल के लिए 2400 मीटर रनिंग गर्ल होती है, जो कि गर्ल 2400 मीटर दौड़ना होता है। तो उसके बारे में जानेंगे कि 2400 मीटर में अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो कितना किलोमीटर होगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कितना किलोमीटर होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इसको बदलने के लिए 1 किलोमीटर के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले हमारा सवाल है कि 2400 मीटर बराबर कितना किलोमीटर को KM से लिख सकते हैं। ठीक, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो इसको जस्ट हम उल्टा करेंगे, 1 मीटर बराबर, हम 1 मीटर को 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर वो निकालेंगे, तो आपका ये बटे में चला जाएगा सारा मामला। तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। 1000 को इधर भेजेंगे बराबर के, इस तरीके से हो जाएगा। अब हमें 1 मीटर में पता लग गया कि इतना किलोमीटर होता है, तो 2400 मीटर बराबर कितना हो जाएगा। 2400 मीटर बराबर 1 मीटर में इतना किलोमीटर, तो 2400 मीटर बराबर 2400 × 1/2 1 मीटर की जगह ये वाला लग देंगे, किलोमीटर वाला जो यूनिट होता है इस तरह से। तो 2400 × 1/1000, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि 2400 × 1000 हो गया इसका मतलब। तो देखो, 2 0 से 2 0 हमारा कट गया। ठीक, अब 24 में 10 से भाग दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा, 10.4 आ जाएगा, क्योंकि 0 1 0 है, तो 1 अंक बाद पीछे से 0.5 लग जाएगी, तो 2.4 किलोमीटर हो जाएगा। तो हमारा आंसर निकल गया है 2400 मीटर बराबर 2.4 किलोमीटर की दूरी होती है। तो ये रहा आपके सामने 2400 मीटर का सच्चाई कि 2400 मीटर आखिर कितना होता है। तो लगभग कि ढाई, अगर ढाई लगभग मान सकते हैं, क्योंकि 100 मीटर कम है, तो 100 मीटर कम 2.5 किलोमीटर मान सकते हैं 2400 मीटर को। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप लोग वीडियो को देखिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा।